हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए जानते हैं भारत में ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें। इस आधुनिक दौर में आजकल हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट का इंसान इतना आदि हो गया है कि ये जीवन का एक तरह का खास हिस्सा बन गया है। कई तो इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमाते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं भारत में ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल डिजाइन करें। डिजाइन एंड ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की योजना बनाना और उसे डिजाइन करना एक आधार होता है। व्यवसाय मॉडल को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि इसमें बिजनेस कंसेप्ट, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग प्लान, ऑपरेशंस प्लान एंड फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित सभी विवरणों को पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाए। चूज प्रोडक्ट या सर्विस टू सेल ऑनलाइन। ऑनलाइन सेल के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को चुनें। आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं उसका चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा जिसके जरिए आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकें। या तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर सेल कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम आदि हैं जिनके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद कौन से हैं। मार्केट रिसर्च करें। डू मार्केट रिसर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे करें, तो आप चिंता ना करें, हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनकी सहायता से मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनको। आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं उस पर अच्छे से सोच विचार करें और उस प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी मांग है इस पर रिसर्च करें। अपने प्रतियोगियों की पहचान करें और उनके द्वारा तथा अपने द्वारा दी जाने वाली सर्विस की तुलना करें और उनसे बेहतर सर्विस देने की कोशिश करें। उपभोक्ता को प्रोडक्ट या सर्विस की सेल के दौरान या तो फ़ोन या फिर व्यक्तिगत रूप से सहायता देने की कोशिश करें जैसा कि संभव हो सके। अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की गतिशीलता को समझें। भारत में ऑनलाइन व्यापार स्थापित करने में लगने वाली लागतों के अलावा निवेश की जाने वाली पूंजी को सूचीबद्ध करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की लागत सर्विस के आधार पर भिन्न होती है। हालांकि इनमें कुछ लागतें आम हैं जो भारत में ऑनलाइन व्यवसायों द्वारा आमतौर पर निवेश की जाती हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च कॉस्ट, वेब होस्टिंग चार्जेस, मार्केटिंग कॉस्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस टैक्सेस, अकाउंटिंग चार्जेस etc. आदि। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले इनके बारे में अवश्य विचार करें। एस्टेब्लिश योर ई कॉमर्स बिजनेस लीगली। कानूनी रूप से अपने ई कॉमर्स व्यवसाय की स्थापना करें। इसके लिए हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं जिससे आपको यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि कैसे कानूनी रूप से अपने ई कॉमर्स व्यवसाय की स्थापना करें। तो आइए जानते हैं। अपने ऑनलाइन व्यवसाय की कानूनी संरचना पर निर्णय लें। यदि आपको अपने व्यवसाय के लिए GSTIN प्राप्त करने की आवश्यकता है तो इसके लिए अच्छे से पूछताछ करें और इसके लिए अप्लाई करें। अपने ऑनलाइन व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेटअप योर ई कॉमर्स। अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करें। अगर आप अपने खुद की वेबसाइट के जरिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनवाएं। इसके लिए तय करें कि वेबसाइट की सेल्फ होस्टिंग करनी है या आउटसोर्स। कंटेंट राइटिंग, पेरेंटिंग टिप्स या प्रेरक विचार आदि के लिए सेल्फ होस्टिंग फायदेमंद है। और यदि आपका व्यवसाय विशेष रूप से ऑनलाइन है तो आपको एक पेशेवर या बाहरी व्यक्ति को काम पर रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। वेबसाइट होस्टिंग के पश्चात अपनी वेबसाइट पर सेल करने वाले प्रोडक्ट या सर्विस का विवरण दें। टेस्ट एंड लॉन्च।
अंत में आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट करें और फिर लॉन्च करें। इसके बाद तैयार है आपकी वेबसाइट, जिसकी सहायता से आप भारत में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। हमें आशा है आज आप जान गए होंगे कि कैसे भारत में अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।